जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एवोकैडो लॉ को डिस्कस किया था, तो इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाने से पहले एक छोटी सी हम एक ना अपने माइंड में एक स्केच बिठाते हैं कि एक प्रैक्टिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर को पहले समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। बेटा आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी आप किसी दरवाजे पर या किसी भी चीज़ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है और ये मैं कोई एरिया लेता हूँ। अब इस बोर्ड मार्कर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाग अपनी फोर्स एक लगा रहा हूँ। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है इस एरिया पर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर इज़ क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं। ये तो था प्रेशर। अब हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग तीन दोस्त हैं, आप लोग एक कमरे में बैठे हैं। अब क्या हुआ, एक किसी बच्चे ने बैर से दरवाजे को क्या कर दिया, लॉक लगा दिया, या किसी तरीके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। आप एक दोस्त लगा रहे हैं, दो दोस्त, तीनों दोस्त, आप क्या करते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए क्या कर रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं। मतलब आप किसी यूनिट एरिया पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब जो आप लोग कहेंगे जो टोटल प्रेशर को बंदा मेजर करना चाहता है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या किसी एक बंदे का प्रेशर नोट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आप तीनों दोस्तों का प्रेशर, जोन जोन सब बंदा जितनी जितना प्रेशर लगा रहा है, वो तीनों बंदों का जब प्रेशर काउंट होगा तो उसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। मतलब आपने तीनों दोस्तों को प्रेशर को सम अप किया तो आपने कहा कि ये टोटल प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। अब उसमें से किसी एक दोस्त का जो आपने अगर प्रेशर मूव करना है, एक दोस्त क्या कर रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल जो प्रेशर वो लगा रहा है उसको हम बोलते हैं, अभी यहाँ पर हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। आप कहेंगे कि मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूँ। अब जब अपना आप नाम ले रहे हैं तो उसका मतलब आप उसका क्या बता रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बता रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर को आपने अंडरस्टैंड किया कि जो आप अकेले कोई प्रेशर लगा रहे हैं उस टोटल प्रेशर के अंदर, वो आपका पार्शियल प्रेशर है। और तीनों को जब आप सम करते हैं तो आपका क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। इसी चीज़ को लेकर हम चलते हैं नेक्स्ट, ये अपने माइंड में बात रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का लफ्जी मतलब होता है पार्ट्स ऑफ टोटल, यानी किसी टोटल चीज़ में किसी एक चीज़ का पार्ट, उसको हम पार्शियल बोलते हैं। अब ये लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ हमें कहता है द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। मतलब कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैसेस के मिक्सर का, वो उन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी एग्जांपल, आप तीन दोस्तों जो प्रेशर लगा रहे थे वो आपका क्या था, टोटल प्रेशर, और वो जो क्या था वो तीनों का क्या था, सम था, यही इसने कहा था। अब इसमें उसने कहा है कि अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल तीन गैसेज हैं, जैसे आप तीन दोस्त थे। अब अगर हमने उन तीनों दोस्तों का, तीनों गैसेज का हमने टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ पी वन, यानी किसी एक गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ थ्री गैस। इट मीन यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की, तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो टोटल प्रेशर के इक्वल है, यही हमारा क्या है जी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था कि जो एक बंदा जो प्रेशर लगा रहा, आप जो एक लगा रहे थे प्रेशर, वो आपका क्या था, पार्शियल प्रेशर था। अब देखिए पार्शियल प्रेशर की डिफाइन हम क्या करेंगे, द प्रेशर ऑफ ईच गैस, किसी एक गैस का प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर किसी एक गैस का जो बेटा प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। और जब सारों का सम अप करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर लफ्ज आया नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हम लोग डाल्टन लॉ के अंदर एक क्वेश्चन हमें पूछ लेता है कोई कि आपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर वो आपस में अगर रिएक्ट कर जाती हैं तो देखें अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर जाएगी तो वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो इंडिविजुअल अपना प्रेशर नहीं लगा पाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि कौन सी गैसेज हमें लेनी है, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हो। समझ आ गए बेटा, तो इसी के हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तीन गैसेज हमने ले ली, फर्स्ट वन इज हमने ली हाइड्रोजन गैस, सेकेंड वन हमने ले ली कोई मीथेन गैस, और थर्ड वन हमने ले लिया कोई हमारे पास क्या है जो ऑक्सीजन गैस। इन सारों का जो हमने टेम्परेचर क्या रखा है, सेम रखा है,
और वॉल्यूम हमारे पास, हमने वॉल्यूम भी सेम रखा है, 10 डीएम क्यूब का ये सिलेंडर है, 10 डीएम क्यूब का ये सिलेंडर है, 10 डीएम क्यूब का यही सिलेंडर है। जब हमने इसका प्रेशर इसका नोट किया तो वो हमारे पास इसका जो पार्शियल प्रेशर था, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था वो कितना था इंडिविजुअली, वो 400 टोर था, इसका 500 टोर और ये कितना था 100 टोर। अब हम लोग इसका टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे इन तीनों गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, ये 400 टोर वाला प्रेशर, ये 500 टोर वाला प्रेशर, ये जो हमारे पास 100 टोर वाला जो प्रेशर है, हम इन तीनों गैसेस को लेते हैं और एक फोर सिलेंडर जिसका वॉल्यूम भी इतना ही है उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखा गया कि जब हमारे पास इनका जो प्रेशर आया वो प्रेशर किसके इक्वल आया जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ हमें क्या कहता था कि इसका प्रेशर जो है, जो टोटल प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर आना चाहिए वो किस किस के इक्वल आना चाहिए, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन के और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। तो एज यू नो आपने पीछे चेक किया कि पार्शियल प्रेशर कितना था इसका 400, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितना है 500 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना लगा रहा था वो 10 डीएम क्यूब वाले सिलेंडर के अंदर वो 100 टोर, टोटल का जब हमने देखा तो वो कितना आ रहा था 1000 टोर आ रहा था। देखें अब अगर इनमें से कोई एक गैस रिएक्ट कर जाते हैं, आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बेटा उनके रिएक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज करनी पड़ती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। अगर आप लोग नॉर्मल कंडीशन पर यूज़ कर रहे हैं बेटा तो वो कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, जब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तो हर जो हमारे पास गैस है वो इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करेगी और उसका जो टोटल प्रेशर होगा उन सारे गैसेस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, यही हमारा डाल्टन लॉ हमें बता रहा था। तो हमें पता है कि ऑल दीज जो गैसेस हैं वो तमाम की तमाम गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं, वो आपस के अंदर रिएक्ट नहीं कर रही, हर बंदा जो है, हर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो इंडिविजुअली क्या कर रहा है, अपना प्रेशर लगा रहा है। तो अगर आप किसी एक गैस का जो हमारे पास, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इस बात को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी जो कहती थी पी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने बड़ा डिटेल के साथ इसको प्रूव भी किया था गैसेज लॉ की हेल्प की मदद से, गैसेज लॉ की मदद से। तो बेटा P इज इक्वल टू एन आर टी, हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकालते हैं ये, तो हमें पता है कि जो पी एच हमारे पास क्या आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के लिए हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, साथ में वॉल्यूम क्योंकि सेम है इसलिए हमने वॉल्यूम यही रखा, नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट होंगे हर गैस के लिए, R हमारे पास कॉन्स्टेंट है और T भी हमने क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालता हूँ, यानी कि H2 निकालता हूँ इसका, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ये V इधर मल्टीप्लाई उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो इसी तरह हम अगर मीथेन के लिए निकालते हैं तो इस तरह हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्रोडक्ट वी एंड हमारे पास मीथेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आर और टी, इस तरह हम लोग इसका वी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके हम उसको क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर आके हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम एज फॉर ऑक्सीजन के लिए हम निकालते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है, हम जैसे पी इज इक्वल टू एन आर टी में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वी एन ओ टू आर और टी, मतलब यहाँ से भी हम वी निकालेंगे या पी ओ टू निकालेंगे तो ये आर टी ओवर वी आ जाएगा। हमें डाल्टन लॉ क्या कहता था, डाल्टन लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इन सारों के क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम पी एच टू की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट करें एन एच टू आर टी और वी, तो ये आ जाएगा इस तरह पी ऑफ मीथेन की जगह पर हमने वैल्यू पुट की, ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट की। अब इन सारों में अगर आप देखें तो एक चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रही है जो कि क्या है, आर टी ओवर वी है, तो हमने इन सारों में से कॉमन ले लिया आर टी ओवर वी। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम इन सारों की जगह पर क्या लिख देंगे, एन टी लिख देंगे और साथ में क्या आ जाएगा, आर टी ओवर वी आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ से वी इधर डिवाइड हो रहा था क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी टी वी इक्वल टू एन टी आर टी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को हमने बेटा नाम दे दिया इक्वेशन वन का, ये हमें हेल्प करेगी टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के लिए। तो बेटा ये समझ आया, सिंपल सा है, हमने कहा कि जो डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है द टोटल प्रेशर रिजल्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, उससे पहले मैंने आपको एग्जांपल की मदद से समझाया था। उसी तरह आपने तीन गैसेज ले लेनी है, तीन सिलेंडर के अंदर जिनका तीनों का वॉल्यूम कितना है, 10 डीएम क्यूब है, 10 डीएम क्यूब है, 10 डीएम क्यूब है, अलग अलग आपने प्रेशर इसका नोट किया, इसका 400 टोर, इसका 500 टोर, इसका 100 टोर आया। टोटल प्रेशर जब आपने इन सारों को एक सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में फिल किया तो डाल्टन लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए था, इनका प्रेशर 1000 टोर होना चाहिए था जो कि उतना ही था। फिर हमने इनकी मदद से हमने अलग अलग हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि जनरल गैस इक्वेशन थी फॉर टोटल हमारे पास क्या करने के लिए, मिक्सचर के लिए हमने क्या निकाली, एक इक्वेशन निकाली।
अगर हमने एक किसी गैस का कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर, वो हम कैसे निकालेंगे? हम इसके लिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो गैसेज हैं, एक गैस हमारे पास ए है और दूसरी गैस क्या है, बी है। उसको हम दोनों को क्या करते हैं जी, एक कंटेनर के अंदर लेते हैं और इसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वी है। अब देखें, अब यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो एन ए हम कह देते हैं और इसके जो नंबर ऑफ बी के जो हैं वो एन बी कह देते हैं। फॉर गैस ए के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पी ए बी एन ए और आर डी सेम है। इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं टू का। अब ये है हमारे पास किसी एक गैस के लिए और दिस इक्वेशन बनी थी हमारे पास टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। तो हमारे पास इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, इसकी रेशियो हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन वन बाई टू, तो वो आ जाएगी पी ए वी ओवर पी टी वी इक्वल टू एन ए आर टी ओवर एन टी आर डी। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा, ये वी से वी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पी टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन इफ यू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें गिवन होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए उस गैस के, किसी भी गैस का अगर आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मिक्सर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर के और टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सर का, तब भी आप उसका क्या कर पाएंगे, पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन या उसको आप फाइंड कर सकते हैं। सेम एज गैस बी के लिए भी आप निकाल लें, पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो यहाँ पर पी बी वी फॉर गैस बी और एन बी आर टी, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी टेम्परेचर भी हमने सेम रखा हुआ है। इस तरह इस इक्वेशन के साथ इसको भी डिवाइड कर दें, तो पी बी वी इज इक्वल टू पी टी वी एन बी आर टी ओवर एन बी एन टी आर टी, आर टी से आर टी बेटा कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, तो पी बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन बी एन टी मल्टीप्लाई, इधर पी टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई जिसकी मदद से आप लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आगे इसको लिख लिया पी ए इज इक्वल टू एन ए एन टी मल्टीप्लाई पी टी। अब आपके बुक में लिखा होता है एन ए ओवर एन टी को लिखा होता है एक्स ए, ये बेटा एक्स क्या है, एक्स बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल की फ्रैक्शन क्या है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन असल में क्या होती है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक गैस। किसी भी गैस का अगर आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, उस मिक्सर में से आप देखेंगे कि उस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और टोटल कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन दोनों की जो रेशियो होगी बेटा, उस रेशियो के हमारे पास जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो क्या हम कहते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ, इट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक गैस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर। मतलब अगर मैंने किसी गैस ए का ही प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकाला, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस रेशियो किसके बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल हमारे पास, इसी हमारी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी होगी, गैस ए की। तो उसी की जगह पर हम लोगों ने क्या किया, एन ए ओवर एन टी था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक गैस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमारे पास ए लिख लिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमें ये बता रहा है कि वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और टोटल प्रेशर ऑफ जो हमारे पास मिक्सर होता है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में उस गैस के मोल फ्रैक्शन भी दिए होते हैं और आपको टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो यू कैन इजिली फाइंड द प्रेशर ऑफ दैट गैस। सेम एज यहाँ पर पी बी एन बी ओवर एन टी था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ गैस बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल, किसके बराबर होगा, ये रेशियो किसके इक्वल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी के। साथ हमारे पास क्या है, पी टी, इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ जो बी गैस है वो बेटा किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी और पी टी के क्या होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो दिस वन इज हमारे पास क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और हमने हाउ यू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये हमने इसमें क्या किए हैं, तो ये हमारे पास इसको हमने डिटेल के साथ क्या किया, इसको स्टडी किया। इस तरह हमारे पास ये पूछ सकता है कि जी इसकी एप्लीकेशन क्या है, डाल्टन लॉ की डेली लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हमें बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाल्टन लॉ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारे पास ज़्यादातर एटमोसफेयर के स्टडी के लिए हमारे पास, हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर के कुछ वेपर भी मौजूद होते हैं।
अब हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन गैस भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और कुछ वाटर के वेपर भी मौजूद हैं। ये सारा कुछ जो गैसेज हमारे पास मिल के ये क्या करती हैं, इन सारों का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। वो आपको पता है टोटल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर होता है। इट मीन उसमें हर एक का क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर उसमें हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अगर माइंड में रखते हुए कि जो हमारा टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर लग रहा होता है उसमें तमाम के तमाम गैसेस का क्या होता है जी, पार्शियल प्रेशर के वो क्या होता है असल में सम के इक्वल होता है। 760 जो टॉर है वो किसी एक गैस का नहीं है बल्कि उसमें सारी की सारी गैसेज का सम अप हुआ हुआ है। इसके साथ ही हम लोग इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है रिस्पायरेशन। कुछ रिस्पायरेशन होता है सांस लेने की, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, ये मैंने सांस ली है, मैंने इनहेल किया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को पता है रिस्पायरेशन के दौरान हमने ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे जो हम लोग इनहेल कैसे कर पाते हैं, हमारी लंग्स के अंदर कैसे जाती है, हमें पता है कि इसमें भी क्या होता है, डाल्टन लॉ की हमारे पास है कि इसमें हम लोगों को क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर हमारे पास कितना होता है, 159 टॉर होता है। यानी जो ऑक्सीजन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो 21% है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा 760 टॉर में से सिर्फ कितना प्रेशर डाल पाती है, 159 टॉर, और वो इसका क्या होगा फिर पार्शियल प्रेशर होगा। बात समझ गए कि ये एक गैस जो पार्शियल लगा रही है प्रेशर। अच्छा, तो 159 टॉर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, हमारी एयर यहाँ पर जो हम लोग एयर के अंदर है, और हमारे लंग्स के अंदर इसका जो प्रेशर है वो है 116 टॉर। इट मीन अंदर हमारा प्रेशर कम है, लंग्स के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर कम है और बाहर क्या है जी ज़्यादा है। इस वजह से ऑक्सीजन क्या करती है वो बाहर से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं इजीली उसमें रिस्पायरेशन कर पाते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, अब बाहर प्रेशर हमारे पास 159 टॉर था, अंदर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो 116 टॉर है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान प्रेशर का क्या डिफरेंस है। अब जितना प्रेशर के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 159 टॉर और इधर सिर्फ 100 होता, तो यहाँ पर क्या है 59 का क्या हो रहा है, फ़र्क आ रहा है। मतलब अब ऑक्सीजन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेल और अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब कि जितना हमारे पास प्रेशर ये 159 टॉर से कम होता जाएगा उतना इन दोनों के दरमियान का गैप क्या होता जाएगा, कम होता है, उतना हमें सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी, रिस्पायरेशन क्या टफ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल जो प्रेशर है उस 159 टॉर वो क्या होता है यार, कम होता है, और ये 116 टॉर ही रहेगा, इधर का प्रेशर अगर कम होता है तो हम इजीली सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। सही हो गया। अच्छा, तो हम कहते हैं कि जो हमारे एयर के अंदर जो उसका प्रेशर वो 159 टॉर है, लंग्स के अंदर 116 है, इसलिए हम आराम से क्या करते हैं ऑक्सीजन को एयर से हम लंग्स के अंदर ले जाते हैं। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो बाहर रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा अंदर लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो ज़्यादा है और एयर के अंदर क्या है, कम है। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली हमारे क्या करती है जी, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलीज़ करते हैं हम अपनी रिस्पायरेशन के दौरान। तो ये बेटा रिस्पायरेशन में है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। अक्सर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब जब वो बुलंदी पे जाते हैं तो वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं बेटा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप जैसे, आपको पता है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो हमारी गैसेस की कंसंट्रेशन में बेटा क्या आती है, कमी आती है, मतलब हमारी ऑक्सीजन गैस भी क्या आएगी, कमी होगी। जब ऑक्सीजन गैस की कमी होगी मतलब उसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या आएगा, कम होगा। यानी कि उसका जो एयर के अंदर प्रेशर होता है वो 159 टॉर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि एट सी लेवल जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो इन एयर के अंदर वो 159 टॉर से क्या हो जाता है जी, हमारे पास सी लेवल पे तो 159 टॉर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो इससे क्या हो जाता है जी, और हम आराम से क्या कर सकते हैं, वो कहता है एट सी लेवल द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन एयर 159 टॉर एंड ब्रीथिंग इज ईजियर, कि आराम से सांस ले रहे होते हैं। बट वो कहते हैं एज यू मूव, जैसे आप किसी बुलंदी पे जाते हैं तो वहाँ पर इसका जो पार्शियल प्रेशर वो बेटा रिड्यूस हो जाता है, 159 टॉर से कम हो जाता है। अब लंग्स के अंदर 116 टॉर था, इसका और कम हो गया इसका प्रेशर, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है इसमें गैप आ गया है, मतलब हम इजीली सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए वो अपने साथ जो है वो प्रेशर कैबिन वगैरह लेके जाते हैं। तो इसमें बस इतना लिख देंगे आप लोग, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, वो रिड्यूस कर जाता है। तीसरा इसमें हमारे पास है बेटा कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। हमने किसी गैस को वाटर के ऊपर से क्या करना है, कलेक्ट करना है। कुछ ऐसी गैसेज होती हैं हम लेबॉरेटरी के अंदर उनको सरफेस ऑफ वाटर से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं।
अब उन गैसेस को सरफेस ऑफ वाटर से जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब आप वाटर की सरफेस से कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ उसके साथ वाटर के वेपर्स भी आ जाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे, तो वही हम क्या है कि जो वहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर, जो हमारे पास गैस, हमारे पास हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो प्रेशर लगा रही है, ठीक है, उसमें वाटर के वेपर्स भी हैं और हमारी गैस की भी हमारे पास क्या है उसमें मौजूद है, तो उसको हम लोग जो मॉइस्ट गैस या प्रेशर ऑफ मॉइस्ट का मतलब बेटा ये है कि जो गैस प्लस वाटर के वेपर्स, तो उसका मतलब है वहाँ पर जो गैस भी उसमें है, कुछ कुछ वाटर के वेपर्स भी यहाँ पर मौजूद है, और दोनों का जो प्रेशर है वो हमारे पास उस टोटल प्रेशर के बेटा क्या है इक्वल है। बात समझ आ गई। तो हमारे पास अगर कोई वाटर के वेपर जो हैं वो किसी गैस के अंदर कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन। बेटा एक्वस नाम से ज़्यादा मोर एक्वस वाटर। तो अगर द प्रेशर एग्जर्टेड जो हमारे पास क्या हो रहा हो, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर वेपर इन किसी भी गैस के अंदर, इन एनी गैस, दैट्स प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्वस टेंशन। तो इफ यू फाइंड द, ये अगर आप प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना चाहते हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, उस टोटल जो मॉइस्ट का प्रेशर है उसमें से इस एक्वस टेंशन को क्या कर देंगे, जो वाटर की वेपर की वजह से लग रहा था उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। इसका मतलब है आप लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आप लोग ने जो फाइंड किया ना, सीखा था कि टोटल प्रेशर में से उस चीज़ को क्या कर दें जी, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस गैस का प्रेशर भी आ जाएगा। लास्ट और आखिरी जो हमारे पास है वो ब्रीथिंग इन डीप सी वाटर। जब कोई गोताखोर वगैरह जो होते हैं वो नीचे जब हमारे पास किसी सी के अंदर, किसी समुंदर के अंदर अपना गोता लगाते हैं, तो वो हम वो कहते हैं जी अपने साथ वो किसी ऑक्सीजन गैस को और अपने साथ किसी इनर्ट गैस लाइक हीलियम को क्या कर जाते हैं, लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 159 टोर है, और जो हमारे सॉरी उसमें प्रेशर जो है उसका 159 टोर है, और नाइट्रोजन का भी हमारे पास क्या है, कोई ना कोई प्रेशर होगा। इट मीन कि उसमें हम इजीली सांस ले पा रहे हैं। बट जब हम लोग किसी वाटर के अंदर, जब हम किसी 100 फीट पे नीचे जाते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है वो 3 एटीएम तक बढ़ जाता है। अब 3 एटीएम का मतलब हर गैस का क्या होगा, प्रेशर 3 गुना हुआ होगा। तो हमारी जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 3 × 159, मतलब 477 टोर हो जाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब ये जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर जो वहाँ पर अलग है, अगर हम इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे या इस ऑक्सीजन को वहाँ पर लेंगे, तो ये हमारे जो लंग्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, डैमेज करेगा। इट मीन हम इसके अंदर तो सांस ले नहीं सकते। फिर अगर ऑक्सीजन का हमारे पास पार्शियल प्रेशर बड़ा है, 477 हुआ है, इसका मतलब है वहाँ पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी तो उसमें है, नॉर्मल एयर में 78 है। इट मीन के नीचे जाके तो उसका और प्रेशर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करना शुरू हो जाएगी, अगर हम उस गैस का मिक्सर लेके जाएंगे तो। इस वजह से हम लोग नॉर्मल जो हमारे पास एयर का मिक्सर है, जो नॉर्मल एयर है, वो हम लोग अपने साथ नहीं लेके जाते। हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑक्सीजन गैस लेते हैं और साथ कोई इनर्ट गैस लेते हैं, अपने हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने क्या करना होता है, प्रेशर को उन्होंने मेंटेन करके ऑक्सीजन और इनर्ट हीलियम गैस लेके जाते हैं ज़्यादातर, तो उसको मेंटेन करके वो वहाँ पर क्या कर जाते हैं, सांस ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है वाई जो हमारे पास हम क्यों नहीं लेके जाते जी, नॉर्मल एयर का मिक्सर क्यों नहीं लेके जाते लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि जब नीचे आप 100 फीट पे जाते हैं तो आपका प्रेशर 1 एटीएम से कितना हो जाता है, 3 एटीएम। हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर बेटा होता है वो 3 टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ऑक्सीजन गैस का 477 हो जाता है, तो इतना ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन को हम इनहेल करके उसको जेल में आते, मतलब हम उसको वापस रिलीज़ नहीं कर सकते, हमारे फेफड़े जो होते हैं, हमारे लंग्स जो होते हैं, वो उससे डैमेज हो सकते हैं, इस वजह से हम उस गैस को नहीं लेते। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिटेल से स्टडी किया। हमने इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने इसकी डिफाइंड से लेकर हमने इसका मैथमेटिकल देखा, हमने एक एग्जांपल देखी, एक्सप्लेनेशन चेक की, उसके बाद हमने हाउ यू फाइंड द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, मोल फ्रैक्शन की हमने बात की, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, और हमने एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस किया कि इसकी एप्लीकेशन बेटा क्या है। तो इसके बाद हमने बेटा लास्ट जो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो बेटा डिफ्यूजन और अफ्यूजन पर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।